हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी सिंपल सॉल्यूशन। सो आज का टॉपिक जो हम लेके आए हैं ब्लड। तो आइए हम यहाँ पे ब्लड के बारे में बताते हैं आपको कुछ। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ड्राई फ्रॉम मेजोडर्म। ब्लड जो है एक स्पेशल फ्लूइड है जो कि किससे प्राप्त होता है, मेजोडर्म से। सो हम एक चीज़ और जानते हैं कि टोटल ब्लड्स की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट, जिसके अंतर्गत हम टोटल ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे मैं छोटा डिफिनेशन आपको दे दिया हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, यानी हेमेटोलॉजी से जो ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, ब्लड की स्टडी और ब्लड जिससे फॉर्मेशन होता है, एंड द डिसऑर्डर्स, उसके जो डिसऑर्डर्स है एसोसिएटेड देम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजिस्ट। इस टोटल जिस में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। उसके आगे आप एक लाइन और देख सकते हैं जहाँ पर जैसे मैं लिखा हुआ यहाँ पे कि द ब्लड इज अ ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं। जैसे ग्रीक वर्ड में क्या है, हेम, हेम मतलब क्या होता है, ब्लड, एंड लोगोज, लोगोज मीन्स स्टडी, यानी टोटल इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड की स्टडीज करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। सो अगर हम ब्लड की प्रॉपर्टीज देखें यहाँ पे तो कलर क्या है, ब्राइट रेड इन आर्टरीज, मतलब आर्टरीज में जो कलर्स होते हैं इसका वो ब्राइट रेड होता है, चमकीला रेड कलर में, एंड डार्क रेड इन वेंस, डार्क रेड, गाढ़ा रेड किस में होता है, वेंस में जो रन अप करता है। एंड मॉस देखें तो 8% अपर बॉडी मॉस, एंड पीएच देखें ब्लड का तो कितना, स्लाइटली अल्कलाइन यानी बेसिक होता है, कितना होता है 7.35 to 7.45। टेस्ट कितना हो इसका, साल्टी होता है, एंड टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस एंड 100.4 डिग्री फारेनहाइट। एंड नेक्स्ट बात करें इसके विस्कोसिटी को तो 3.3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, वाटर के पीछे ही विस्कस होता है। इसका वैलेंस कितना है, 5 to 6 लीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या कंपोजिशंस होता है। जैसे फर्स्टली यहाँ पे ये फिगर शो कर रहा है आपको, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट। ये टोटल चीज़ें हमें कब दिखाई देती है, सेंट्रीफ्यूज ब्लड, यानी जो सेंट्रीफ्यूज ब्लड होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड में ये टोटल चीज़ों को हम देखते हैं। सो नेक्स्ट आइए देखते हैं, ब्लड में प्लाज्मा जो है 55% एंड सेलुलर एलिमेंट जो अदर एलिमेंट से वो कितने हैं, 45%, जिसमें कि RBC होता है, RBC जो कि एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा बनता है, WBC होता है जो ल्यूकोसाइट्स के द्वारा, एंड प्लेटलेट होता है जो थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा बनता है। पहले बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है, इनका किस द्वारा फॉर्मेट होते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा, एंड वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, और इधर देखते हो नीचे इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, ग्रैनुलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एरानुलोसाइट्स में क्या है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट के द्वारा। सो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला इसमें ये जान लेते हैं कि ब्लड जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, जिसके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऑल पार्ट तक पहुंचती हैं। जैसे यहाँ पे मैं शो किया हूँ नॉर्मल नोट में, मतलब 160 नोट के अपेक्षा में, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल्स, हेमरेज एंड देयर टारगेट ग्लैंड्स, एंड प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी एंड देयर साइड ऑफ इन्फेक्शंस, यानी कि वो एंटीबॉडी जो कि इन्फेक्शन साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उन्हें रोकने में सक्षम होते हैं। सो आगे हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेन इन्फेक्शंस, जो ये क्या करता है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में से प्रोटेक्ट करता है, एंड रेगुलेट ऑफ पीएच का रेगुलेशन करता है, मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स, यानी बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करता है, एंड क्लॉट फॉर्मिंग, यानी क्लॉट फॉर्मिंग, क्लॉट मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, जिससे कि ब्लडिंग ज़्यादा होती हो तो बंद हो जाना, उसको क्या कहते हैं, क्लॉट कर जाना, ब्लड क्लॉट कर जाना, यानी ब्लड का थक्का बढ़ जाना। ओके, सो नॉर्मली सिंपल तरीके से थोड़ा सा और मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ उसके फंक्शंस के बारे में। जैसे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है किसे, लंग्स के माध्यम से टिश्यू तक, ट्रांसफर CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, CO2 को ट्रांसफर करता है टिश्यू के माध्यम से, कहाँ पहुँचाता है, लंग्स के पास। यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, नॉर्मल ब्लड कंटेंट 13 to 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, 1 RBC कंटेन अबाउट 215 million मॉलिक्यूल ऑफ HB, एंड नेक्स्ट इच मॉलिक्यूल ऑफ HB कैरियर्स फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन।
सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आके हम। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं उसके कंपोजिशंस के बारे में। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट। प्लाज्मा जो है वो हल्का येलो कलर जो होता है लिक्विड कंपोनेंट से ऑफ अ ब्लड का, दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ अ ब्लड इन सस्पेंशंस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक डाला हूँ, व्हेन अ फॉर्मेट एलिमेंट आर रिमूव फ्रॉम ब्लड अ स्ट्रॉ कलर लिक्विड इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। यानी ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर साइड में आप देखते होंगे कि हल्का पेल येलोइश कलर में जमा रहता है, वही क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। सो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या में क्या क्या होता है। 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है एंड 1.5% अदर सॉल्यूट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और जिसमें अदर एलिमेंट्स होता है जैसे कि एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ब्लड, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइब्रिनोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें हेल्प करता है। सो अदर देखते हैं, अदर रेगुलेटरी सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स हार्मोन्स गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अमोनिया और बिलीरुबिन टोटल और सारे एलिमेंट्स उसमें जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो डियर समासा करते हैं, आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा जो पिछले में बताया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा का, वहीं टोटल में थोड़ा सा चार्ट के माध्यम समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे प्लाज्मा में यहाँ पे मैं शो किया हूँ कि 91.5% वाटर्स एंड प्रोटीन 7%, इसमें एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेंस एंड अदर सॉल्यूट 1.5%। ओके, सो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। इसे आप सिंपल तरीके से नोट्स में अपने बना कर लिख भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल लाइन्स है। मेन मेन पॉइंट को मैंने इसमें निकाल के डाल दिया है। सो देखिए यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूट जो है वाटर, एब्जॉर्प्शन जॉब ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट, हीट को कम करने में, एंड एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, रिस्पिरेटरी प्रेशर के लिए, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग, इलेक्ट्रोलाइट आयन पीएच बैलेंस के लिए, पीएच बफरिंग के लिए। तो ये आपको किसी भी एग्जाम में नोट बनाने या समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब किसके द्वारा कौन से एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहले मैं देखा एथ्रिपोसिस की बात किया, तो द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एथ्रिपोसिस, जिसके द्वारा क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ये टोटल एडल्ट में कितने कहाँ पाया जाता है, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन हिस्ट बोन ब्रेस्ट बोन्स एंड रिब्स। ओके, सो चाइल्ड में अप टू 5 ईयर तक जो होता है वो बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, बोन मैरो में ही ये प्रेजेंट्स होता है। एंड फ्यूटस की बात करें तो लीवर एंड स्प्लेंस में। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसिथेमिया एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज इथ्रोपेनिया, ये टोटल डिसऑर्डर्स उसके डिजीज फंक्शंस हैं। सो नेक्स्ट अब देखते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को, तो उसका सेल जो होता है वो क्या है, एमोबिक न्यूक्लिएटेड होता है एंड साइज 12 to 15 micron होता है एंड कलर्स कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट होता है। काउंटिंग कितना आता है, 5000 to 10000 WBC, ठीक है। एंड लाइफ स्पेस में देखें तो उसका 10 से 13 डेज, मतलब इतने टाइम तक वो जीवित रह सकता है, प्रॉपर वर्क करता है। जैसे कि देखें कि ल्यूकोपोएसिस जो है उसके बारे में देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नोन एज ल्यूकोपोएसिस, जो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस, जिसे एडल्ट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिवर्स में, स्प्लेंस में, टोनसिल बोन मैरो। एंड फ्यूटस में देखते हैं तो लाइव एंड स्पेंस में। इसका क्या काम होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, अगर WBC ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे क्या डिजीज फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। एंड डिक्रीज हो रहा है WBC का नंबर तो ल्यूकोपेनिया। एंड पैथोलॉजिकल इंक्रीज नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर्स, अगर WBC के कैंसर और पैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। किसी यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ WBC, तो WBC में दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलर्स एंड एरेग्नुलर, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल्स 62%, एसिडोफिल्स
2.3% एंड बेसोफिल्स 0.4% होते हैं किसमें ग्रैनुल्स में। एंड एरेन्युलर्स में जो है लिम्फोसाइट्स 30% एंड मोनोसाइट 5.3%। तो नॉर्मल टॉपिक इसमें प्लेटलेट्स के बारे में भी मैंने शो कर दिया है, जैसे कि उसका शेप क्या होता है, सर्कुलर बाइकोनेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, साइज क्या होता है 2 से 4 माइक्रोन्स एंड काउंटिंग 150,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स, ठीक है। और लाइफ स्पेस की बात करें तो यानी कि जितने वो जिंदा रह सकता है, जितना वर्क कर सकता है 5 to 9 days। एंड फंक्शंस क्या होते हैं उसके, ब्लड क्लाटिंग यानी ब्लड को क्लाट करना, थक्का बनाना। तो थोड़ा हम इस टॉपिक को अब देखते हैं, हेमोपोइसिस क्या होता है। हेमोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स कॉल्ड एज हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस, यानी ये क्या है, ब्लड सेल फॉर्मेशन का जो है प्रोसेस है। ओके, रेड बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमोपोइसिस, यानी रेड बोन मैरो जिसके द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है, ये प्राइमरी साइट है हेमोपोइसिस का, ब्लड बनाने का, ब्लड सेल्स बनाने का। इट इज हाईली वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लोकल इन द बोन्स, इसका लोकेशन कहाँ है, बोन में, प्रेजेंट मैनली इन अ बोन ऑफ, जैसे कि एक्सल स्केलेटन्स और पेक्टोरल पेल्विक ग्रेडल्स एंड ह्यूमरस एंड फीमर्स। सो ये रेड बोन मैरो का फिगर है जिसमें हम थोड़ी चीज़ों को डिफाइन किया है, इसे आप अपने नोटबुक पर बना के प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। सो हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर के बारे में। सो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज नोट करके आप लोगों को दे दिया हूँ, जैसे एजिथोसाइटोस, पॉलीसेमिया वेरा, एनेमिया जिसमें ब्लड कमी कारण होता है खून कमी से, आयरन डिफिशियंसी एनेमिया जैसे आयरन की कमी के कारण होता है, एनेमिया ओविंग द हेमोलाइसिस, स्किल सेल्स एनेमिया एंड एथ्रोब्लास्टिस फेटल्स एंड थैलेसीमिया एंड एफेनियोसिस एनेमिया एंड द एप्लास्टिक एनेमिया। सो थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं समझाने का प्रयास जो किया हूँ वो आया हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैनल में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे।